क्या वजीर तालीम सेकेंडरी एजुकेशन अजराए करम मुतलब फरमाएंगे? अलिफ, क्या ये दुरुस्त है कि गुज़िश्ता दिनों मुकमे सेकेंडरी एजुकेशन क्विटा की जानिब से लैब असिस्टेंट चौकीदार नायब कासिद कलर की तानियतियाँ अमल में लाई गई हैं? बे, अगर जुज अलिफ का जवाब असबात में तो लैब असिस्टेंट चौकीदार नायब कासिद कलर्स की कुल किस कदर असामियाँ खाली थी और इस पर कुल कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कुल कितने लोगों की तैनियतियाँ अमल में लाई गई है? इनके नाम, बमा वल्दियत, एड्रेस, लोकल और जाए तैनाती की मुकम्मल तफसील ऐवान को फराहम किया जाए। जी शुक्रिया। जी मिनिस्टर एजुकेशन साहब, तो तवज्जो दिलाओ, नोट्स ले आया यहाँ पे, तो आप काइंडली इसके एक क्वेश्चन लेकर आ जाएं। नेक्स्ट मैं आपको असेंबली में इसका टोटल डिटेल सब कुछ बता दूंगा आपको। जनाब स्पीकर साहब, ये बड़ा इसमें बड़ा इशू है, ये उम्मीद जनाब इसमें इतना बड़ा इशू है कि ये मेरिट की पामाली रिश्वतखोरी का है कि ऐसा बाब दर्ज हुआ सूबे की तारीख में, ये पूरा पलंदा पड़ा हुआ है। जनाब वजीर आला साहब, जनाब वजीर आला साहब, दीवान साहब, अगर आप सुने, ये कह रहे हैं कि हम गुड गवर्नेंस दे रहे हैं। ये किस तरह गुड गवर्नेंस है? यहां पर पोस्टी आई चौकीदार की, नायब कासिद की, जूनियर कलर की, 4000 समथिंग लोगों ने कागजात जमा किए, ये उनके नाम है, वल्दियत है। और फिर जब 266 लोगों की तैनाती हुई जनाब मिनिस्टर साहब, उसमें 222 लोग वो लगे हैं जिन्होंने कागजात तक जमा नहीं किए, ना उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किए, ना उन्होंने टेस्ट दिया, ना उन्होंने इंटरव्यू दिए। अच्छा, उनका वो सिलेक्ट हो गए और ये पूरी बोलियां लगी हुई है। मैं तो समझता हूं कि आज वजीर आला साहब, मिनिस्टर साहब, अगर आप इससे लाइलम हैं तो आप फौरी एक्शन उठाए। जो जो शख्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसने नायब कासिद के पोस्ट पर, मैं यहां जिम्मेदार एक मेंबर असेंबली के तौर पर कह रहा हूं, 5 लाख रुपए नायब कासिद के पोस्टों पर लिया गया है, 10 लाख रुपए जूनियर कलर के पोस्टों पे लिया गया है, लैब असिस्टेंट पे लिया गया है, और किसी ने कागजात जमा नहीं किए। ये सब कुछ मलक नसीर ने पूरी स्टडी की है, मैंने की, ये सारा पलंदा हुआ है। आप इंक्वायरी कराए, फैक्ट, जनाब स्पीकर मैं आपसे रूलिंग चाहूंगा, फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाए, कमीशन बनाए के आने वाले दिनों में। मेरे ख्याल में जेरे साहब, वो आज अखबारों में भी है, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे नोट्स लिया है। बड़ा अच्छी बात है, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट कहने से पहले उन्होंने ले लिया और उसके जो ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, अगर डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन है, डीओ है, बाकी है, उनके दस्तखत है नहीं? अगर ये सारा पलंदा पड़ा हुआ है इसमें, मेरे पे